हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या है अब इस पर्सन की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में डीप इनसाइट चल रहा है, इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंच सके। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने ये आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर, हो सके तो नाम उनका जरूर से ले लीजिएगा 3 से लेकर 5 बार, ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बने हुए हैं डीप इनसाइड इस पर्सन की एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए अब क्या बना हुआ है व्यूअर्स को लेकर एंड व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। स्पिरिट गाइड, मदर, स्टोरी टेलर, डिटेक्टिव, गॉडेस एंड बॉटम की एनर्जी है, ठीक है। देखो, डीप इनसाइड होना हो व्यूअर्स, इस इंसान को सबसे ज्यादा जो याद आ रहा है, या ये कहो कि सबसे ज्यादा जो ये पर्सन मिस कर रहे हैं ना, तो वो है आपका नेचर, आपका यू मदरली नेचर का होना, इनकी केयर करना, काइंड नेचर का होना, इनकी हजारियों गलतियों को माफ करना, या गलती इनके होने के बावजूद भी सॉरी खुद से बोल देना, उसे लेट गो कर देना। तो इन सभी चीजों को ये पर्सन डीप इनसाइड काफी ज्यादा इस वक्त में भी याद कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि आप एक ऐसे इंसान इनकी जिंदगी में थे, जो कहानियों में ही होता है, जो मूवीज में, सीरियल में ही देखने को मिलता है, हकीकत में ऐसा कभी भी होता नहीं है। तो एक ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है व्यूअर्स, आपका यू नर्चर करना इनको, इसलिए आपने बहुत वेट करा है, बहुत बार इस इंसान ने आपको वेटिंग मोड पर डाला, लेकिन स्टिल आपने कभी भी अपने सब्र का बांध यहाँ पर नहीं तोड़ा। आपका यू अनकंडीशनल लव करना इस इंसान को, कोई कंडीशन, कोई शर्त आपकी तरफ से इस रिश्ते में नहीं थी। तो ये सभी चीजें, ये सभी क्वालिटीज, ये सभी एबिलिटीज जो भी इस इंसान ने आपकी अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करी है ना, ये पर्सन उसे काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं और उसे रिलेट कर रहे हैं कि शायद या तो एक ख्वाब था जो आप इन्हें मिले, या ये एक ऐसी कहानी थी जो इन्होंने सुनी और जिसे इन्होंने कहीं ना कहीं इतने हाई लेवल पर इमेजिन करा, जो इन्होंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस भी करा। तो आपकी जो एक छवि है ना इस इंसान की नजरों में, इस इंसान की सोच में, वो काफी ज्यादा मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। इसी रीजन के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपके ऊपर अभी भी निगाहें बनाए हुए हैं। वो बात और है भाई, देखो इन्होंने किस तरह से आपके ऊपर निगाहें छोड़ रखी हैं, चाहे तो किसी ऐसे पर्सन को इन्होंने छोड़ रखा हो जो आपके बारे में ने जानकारी पहुंचाए, या फिर इन्होंने कोई यहाँ पर डिटेक्टिव ही हायर कर रखा हो, आपको किसी फेक आईडी के थ्रू ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो। लेकिन आपकी ये जो भी क्वालिटीज हैं, जो इनके दिल में आज भी आपके लिए एकदम परफेक्ट की जो जगह बनाई हुई है ना, वो इस इंसान को व्यूअर्स आपको ढूंढने के लिए, आप पर निगाहें रखने के लिए इन्हें बोल रही हैं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पर ना व्यूअर्स, इस इंसान ने आपकी इतनी खूबियां जानने के बावजूद भी, इतना एक्सपीरियंस आपके बारे में लेने के बावजूद भी, इस इंसान ने जब वक्त आया मेन यहाँ पे फाइट करने का, सोसाइटी के खिलाफ जाने का, पेरेंट्स के, परिवार वालों के खिलाफ जाने का, तब इस इंसान ने यही काम यहाँ पर नहीं करा। बजाय इन्होंने उनके कही हुई बातों को रिजेक्ट करने के, इन्होंने आपकी कही हुई बातें या आपसे जुड़े हुए रिश्ते को रिजेक्ट करा, उसको लेकर एक गुस्सा, एक नाराजगी इस इंसान की खुद से यहाँ पर है।
यानी कि ये गुस्सा, ये नाराजगी अगर ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं ना, तो इन्हें वो पल, वो मोमेंट, वो वक्त ज्यादा सताने लगता है जिस मोमेंट में इन्होंने आपकी इतनी खूबियां जानने के बावजूद भी आपके साथ के रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया, इसे जाने दिया, या इसके लिए जो भी दबाव ये अपनी साइड से डाल सकते थे वो इन्होंने डालने की बजाय उनका दबाव अपने ऊपर होने दिया। तो यहाँ पर गुस्सा, नाराजगी इस इंसान के अंदर खुद से डीप इनसाइड यहाँ पर मौजूद हो रहा है, जिसका प्रभाव, जिसका रिएक्शन आपको इनमें दिखता भी होगा, क्योंकि इन्हें याद आता है वो चीजें कि आप इनके नहीं हो, आप इनके नहीं हो सकते हो। सब कुछ जानने के बावजूद भी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो सभी चीजें अंदर ही अंदर इस इंसान को घोल रही हैं। तो वो मुझे फीलिंग इनकी दिख रही है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है डीप इनसाइड, आज भी अभी भी आपकी इस नेचर के जानने के की वजह से ना, ये पर्सन आज भी अभी भी आपको अपना एक गोल लेकर चल रहे हैं कि अगर कोई इनका लाइफ पार्टनर है या जिसे इन्होंने दिल से माना है ना, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, वो सिर्फ आपको माना है, उसकी जगह ये किसी और को नहीं दे पा रहे, उसकी जगह अगर ये देते भी है या किसी को मिलती भी है ना, तो उसमें आपको ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो वो सभी चीजें भी इनके लिए जंग के तौर पर बनती जा रही हैं। मतलब यहाँ पर आपके पर्सन इस चीज को समझ रहे हैं कि आपने इनको इतना प्यार दे दिया कि अब आपकी जगह ये किसी को ना तो दे पाएंगे या आपकी जगह कोई और ना ले पाएगा। इसी रीजन के चलते इनकी निगाहें आपको ढूंढती रहती हैं, आपका इंतजार करती रहती हैं, लेकिन उन सब चीजों के जानने के बावजूद भी, उन सब चीजों का एक्सपीरियंस लेने के बावजूद भी, इस इंसान को ना चाहकर भी आप ही को रिजेक्ट करना पड़ रहा है, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को ही इन्हें ना बोलने पड़ रही है। तो वो चीजें अंदर ही अंदर इस इंसान को घोलती जा रही है, वो मुझे फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। चलिए मैं यहाँ पर टैरो से और आपको चीजें बताती हूँ। व्यूअर्स, गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस, मदर को लेकर, व्यूअर्स को लेकर क्या बने हुए हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन। टेन ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है द हेरोफेंट। तो यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड ये आपका है टॉरस। नंबर 5, 10 एंड 1 ये मुझे खास बनते हुए आपके लिए दिखे, यानी कि अक्टूबर, जनवरी एंड आपका मई मंथ। देखिएगा व्यूअर्स, ये पर्सन ना आप में बेसिकली एक परिवार देख रहे हैं, एक घर देख रहे हैं, या वो ही इन्हें दिख रहा है जब भी आपको देखते हैं, आपको सोच रहे हैं, तो इनमें, इन्हें ना आप में और कुछ नहीं दिख रहा। भले बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से ये पर्सन आप में 100 कमियां निकाल रहे हैं, क्योंकि इन्हें रिजेक्ट करना है ना उनके हिसाब से, या इन्हें कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ना बोलनी है उनके हिसाब से। तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि ये दिल से आपसे नाराज नहीं है या दिल से ही आपसे गुस्सा नहीं है, लेकिन हाँ, बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से ये पर्सन ना चाहकर भी वो सब चीजें कर रहे हैं जिन चीजों को लेकर एक मेंटेलिटी इन्होंने बना रखी है कि इनके हाथ पैर यहाँ पर बंद गए हैं। एक ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर है जैसे कि जिंदा तो है, लेकिन ये इस तरह के इंसान है जिंदा में जिसका ना दिमाग उसका साथ दे रहा, ना वो अपनी तरफ से कोई एक्शंस ले पा रहा, बस उसका दिल धड़क रहा है, या बस उसकी सोच में आप एग्जिस्ट हो, आपसे जुड़ी हुई यादें एग्जिस्ट हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और जब भी बात आती है एक्शंस की या अपने दिल की सुनने की, तो उस सभी चीजों को लेकर इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। चांसेस बन रहे हैं इनके पीछे का भी कारण है यहाँ पे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस का होना। भले इनकी सोच में वो डिफरेंसेस काउंट नहीं करते, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सोसाइटी या बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते में इतनी खूबियां देखने के बाद भी अगर उसमें नुक्स निकाल रहे हैं ना, तो वो चीजें इन्हें भी चुभ रही हैं कांटों के समान। तो वो मुझे फीलिंग आपके पर्सन की डीप इनसाइड दिख रही है। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस हैं कि आप दोनों के दरमियान बच्चा भी है, और कहीं ना कहीं उस बच्चे को याद करके, उसको देख कर भी ये पर्सन काफी ज्यादा भावुक हो रहे हैं, या काफी ज्यादा इनका दिल भारी हो जाता है कि उसके लिए भी कुछ नहीं कर पा रही, उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि बाहरी इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा यहाँ पर है जिसके चलते आपको सब कुछ
कुछ मानकर भी आपको कुछ भी मानने वाली स्थिति में इन्हें पहुंचा दिया गया है। तो कुछ तो ऐसा है व्यूअर्स विद दिस द हेरोफेट, जो ये पर्सन अपनी सोच के खिलाफ कर रहे हैं, अपनी चाहतों के खिलाफ कर रहे हैं, जबकि इनकी सोच में सिर्फ आप हो, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता है, वो परिवार है या वो जीवन साथी जो इन्होंने आपको दिल से, मन से, तन से, सब तरीके से आपको मान लिया। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे, या तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी आप में से एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या फिर ये बाहरी इन्फ्लुएंस उस वे में है कि आप लोगों के बीच में ट्रेडिशंस, कास्ट का डिफरेंस है, या फिर किसी तरह से इनके परिवार वाले आपके खिलाफ हैं। तो कुछ ऐसा है जिससे ये फाइट नहीं कर पा रहे, या जिनका साथ इन्होंने एक वक्त पे तो दिया अनजान बनकर, या उसकी उसका क्या रिजल्ट मिलेगा वो बिना सोचे, और अब ये पर्सन यहाँ पर ना उसके खिलाफ नहीं जा पा रहे। तो वही सभी चीजें इनके दिल और दिमाग में इस वक्त में डीप इनसाइड चल रही है, घूम रही है। यहाँ पर एक ऐसी भी एनर्जी देख पा रही हूँ, जैसे हर रात के साथ इस इंसान को वो परिवार याद आता है जो इन्हें आपसे मिला था या मिल सकता था, तो वो इनके साथ हो रहा है। स्टोरी टेलर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बनी हुई है, स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। स्टोरी टेलर को लेकर फोर ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो ये ना इमेजिनेशंस में ज्यादा अपने आप को रख रहे हैं, और एक इमेजिनेशंस में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एक ऐसा पल आएगा जिस पल में आप इन्हें इस तूफान से बाहर निकाल लोगे। जो भी तूफान इनके बाहर चल रहा है, इनके अंदर चल रहा है ना, या जिस तरह से ये अंदर से खत्म होते जा रहे हैं इस रिश्ते को याद कर करके, आप अल्टीमेटली यहाँ पर से इन्हें बाहर निकाल दोगे। तो उस तरह की इमेजिनेशन इस इंसान ने अपने अंदर रख रखी है। कोई तो पल आएगा, कोई तो मोमेंट आएगा, उस तरह की उम्मीद के सहारे इस इंसान ने अपने आप को यहाँ पर संभाल कर रख रखा है। इन्हें ये लगता है कि जो रिश्ता इनका आपसे जुड़ गया, दिल से दिल का रिश्ता, ये जो भी जुड़ गया ना, अब उस जगह पे ना ये किसी को भी ले आएंगे ना, बट वो एक कंफर्ट, एक सुकून, एक सेटिस्फेक्शन इन्हें वहां पर नहीं मिलेगा। ये सभी चीजें तब मिलेंगी जब अल्टीमेटली आप इन्हें इनके जगह से बाहर ले आओगे, वहां से इन्हें निकाल दोगे। एक तूफान डेफिनेटली आपके पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर मौजूद है डीप इनसाइड, जिसको लेकर ये पर्सन रातों तो बेचैन रहते हैं, और अब भी मुझे एक बेचैन भरी इनकी एनर्जीज काफी क्लियरली दिख रही है। इन्हें पता है आप इनको लेकर हमेशा ऑनेस्ट रहे, या फिर एक आप एक ऐसे दोस्त थे इनके जो हमेशा इनको लेकर लॉयल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पर बाहरी इन्फ्लुएंस के चलते, बाहरी सोच के प्रभाव में आने के चलते अपने बने बनाए रिश्ते को, अपने बने बनाए सपने को, घर को इन्होंने तूफान में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की है। इन चीजों को लेकर मन में ये चीजें भी हैं कि शायद एक कहानी है, या ये इस तरह से सिर्फ इमेजिनेशंस में रह रहे हैं, लेकिन इस इमेजिनेशंस में रहने में सुकून अगर मिल रहा है तो ये वो भी रह लेंगे। तो वो स्थिति, वो सोच मुझे इनकी बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए, बताइए। स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स डिटेक्टिव को लेकर क्या बनी हुई है, स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिटेक्टिव को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या है, स्प्रेड गाइड। एट ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि दिख रहा है। देखो मुझे ना ऐसी चांसेस दिख रहे हैं कि इस इंसान को अंदर से, क्योंकि सुकून नहीं मिल पा रहा, नहीं पहुंच पा रहा, इसी रीजन के चलते आपके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अगर इन्हें अपनी साइड से पैसा खर्च करना पड़ रहा है, पैसा पानी की तरह अगर इन्हें बहाना पड़ रहा है, तो ये बहा रहे हैं। लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है किसी ऐसे पर्सन को हायर कर रखा है, या किसी ऐसे पर्सन को आपके ऊपर निगाहें रखने के लिए बोल रखा है, जिसके बदले में वो इनसे पैसा ले रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन आपके बारे में जानकारी इसीलिए हासिल कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें लगता है कि जितना ये आपके करीब रहेंगे, या जितना आपके बारे में इन्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, उतना ये सुकून पा पाएंगे। अब फिर चाहे इन्हें किसी भी तरह की जानकारी मिल रही हो, लेकिन एक सोच, एक डीप इनसाइड चीजें इनके यही यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है व्यूअर्स।
ठीक है। हालांकि ऐसे चांसेस दिख रहे हैं जितना ज्यादा ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उतना ज्यादा इनकी बेचैनी, इनकी तड़प आपको लेकर बढ़ रही है, क्योंकि कुछ ऐसा इन्हें आपके बारे में मिल रहा है, पता चल रहा है, जो ये एहसास दिला रहा है कि आपने इनसे, इनसे जुड़े हुए रिश्ते से कदम जो भी है ना वो अपने पीछे रख लिए हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप अब इतना इनको लेकर बेचैन नहीं हो जितना अपनी डेस्टिनी को लेकर, अपने आने वाले कल को लेकर आप ज्यादा वरिड हो, यानी कि आप आगे बढ़ने में बिलीव कर रहे हो। तो ये सभी चीजें आपके पर्सन के दिल में, मन में एक तड़प भी डेवलप कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपके बिना काफी ज्यादा बेचैन तो है। व्यूअर्स, गॉडेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स को बताइए, स्प्रेड गाइड प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि है। व्यूअर्स देखो, यहाँ पर आपके पर्सन के साथ ऐसी चीजें हो रही है कि ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे बाहरी लोग जो है ना वो काफी मूडी किस्म के हैं, जो पल में तो आपके पर्सन की फीलिंग्स को समझते हैं तो अगले ही पल में वो आपके पर्सन की फीलिंग्स के खिलाफ भी जाते हैं। लेकिन एक आप ही ऐसे पर्सन थे जो एकदम न्यूट्रल थे, जो इक्वालिटी पे बिलीव करते थे, जो आप अपने पर्सन को सही तरीके से जानते थे, समझते थे या समझ पाए थे। इतना इनके आसपास के लोग इन्हें नहीं समझ पाए आज तक जितना आपने चंद पलों में इनके साथ रहकर इन्हें समझ लिया। वही इनके इमोशंस को आज भी आपके लिए जिंदा करे रखे हैं, या वही चीजें इस इंसान को आज भी आपको अपना एक गोल, अपना एक ड्रीम, अपना एक विश उस तरह से देख रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं इस तरह से भी डर यहाँ पे काफी डिस्टर्ब कर रहा है कि अगर ये आप तक पहुंचते हैं ना तो इनके खिलाफ काफी लोग खड़े हो जाएंगे, या इनके खिलाफ काफी आवाजें खड़ी हो जाएंगी, काफी सवाल खड़े हो जाएंगे जिनका ये जवाब नहीं दे पाएंगे। किसी तरह की तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, किसी तरह की तो बातों में ये पर्सन उलझे पड़े हैं, चाहे वो ये समझ लीजिएगा इनकी सोच को इस तरह से उलझा दिया गया है, या इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं जिसके चलते भी ये पर्सन ना सब कुछ जान कर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तो सब कुछ जानते हैं ना, तो वो स्थिति इनकी हो रही है। यानी कि ये पर्सन उस किस्म के बनते जा रहे हैं जिसमें ये अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, आपसे क्या, दुनिया से क्या, लोगों से क्या, ये इंसान तो अपने आप से अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, या अपने आप से अपने आप को सिर्फ दिलासा दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर दिल में आप हो, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता, आपकी वो नेचर, वो सभी चीजें आज भी इन्होंने जिंदा कर रखी हैं, तो वो चीजें इनके साथ अभी करंट में हो रही हैं। रेबेल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बनी हुई है, स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए रेबेल के मामले में। जजमेंट एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका स्कॉर्पियो है। नंबर टू यानी कि फरवरी मंथ मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। चांसेस हैं कि दो साल हो गए हैं आप दोनों के बीच में ये दूरियां आए हुए, या दो साल हो गए हैं कि इस इंसान ने दो साल से आपको कोई भी सही तरीके से डिसीजन अपना नहीं सुनाया, ठीक है, हमेशा आपको कंफ्यूज रखा, खुद भी कंफ्यूज रही और आपको भी इन्होंने कंफ्यूज ही रखा है। डीप इनसाइड इस इंसान को ये चीजें समझ में आ रही है कि जो ये तूफान इनकी जिंदगी में चल रहा है ना, जो अंदर इनके तूफान चल रहा है जिससे ये मुक्त नहीं हो पा रहे, उससे मुक्त अगर कोई कर सकता है तो वो आप कर सकते हो, आपका साथ कर सकता है, या जो भी जिस भी तरह से इन्होंने आपके साथ गलत करा, अनफेयर करा, उन सभी चीजों को सही करके ही वो सभी चीजों से ये पर्सन मुक्ति पा सकते हैं, तो वो चीजें इनके दिल और दिमाग पे हावी हुई हुई हैं। लेकिन इन चीजों को लेकर भी कंफ्यूजन इस चीज का ही एंड में पहुंच रहा है कि कैसे, हाउ, कैसे ये चीजों को सही करें, ठीक है। क्रॉस रोड पर ये पर्सन इस वक्त में अपने आप को पा रहे हैं जहां एक तरफ इनकी वो जिम्मेदारियां हैं जो इन पर जबरदस्ती थोपी गई हैं, लादी गई हैं, चाहे वो इमोशनली ब्लैकमेल करके, या इनके ब्रेन को वॉच करके, या सोसाइटी के नाम से, तो एक तरफ आप जो कहीं ना कहीं एज अ गिल्ट, एज अ बुरा कर्मा इनके ऊपर हावी हुआ हुआ है, और वो सोच इन्हें यहाँ पर अंदर से पूरी तरह से यहाँ व्यूअर्स खाली कर रही है, ठीक है। अंदर से वो पर्सन है जो बिल्कुल साफ है,
मतलब आप ही समझ लीजिएगा, कोई छलावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, तो अंदर से वो चीजें हैं। भले बाहरी तौर पर ये पर्सन कुछ हो कह रहे हो, कुछ हो बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अंदर से एकदम न्यूड है ये, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि हाँ आपकी तरफ बढ़ने से जो मन का तूफान है वो अपने आप से शांत हो जाएगा। तो वो चीजें इनके मन में डीप इनसाइड चल रही है, ठीक है। आपके साथ वो चीजें हो रही है कि भाई देखो, इंसान ना दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो चीजें नहीं जान पाता, सिर्फ उसे बाहर की चीजें दिखती हैं और आपको बाहर कुछ और ही दिखाया जा रहा है। तो वो चीजें मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। चलिए मैं देखती हूँ इन सभी चीजों के चलते ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देखती हूँ पहले। चलिए आज इनके मैसेजेस मैं देखती हूँ व्यूअर्स डाइस के माध्यम से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिएगा व्यूअर्स, ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आज भी कहीं ना कहीं इनकी सोच में आप इनके प्रिंस हो या इनके प्रिंसेस ही हो, जो शायद ही आपको अक्सर कहते भी थे कि भाई आप एकदम इनके लिए एक वेल विशर ही थे, एक प्रिंस एक प्रिंसेस के तौर पर थे, या उस तरह से इन्होंने आपको रखा, उस तरह से इन्होंने आपको प्यार दिया। तो वही ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, या उसी तरह से आपने इन्हें प्यार दिया, आपने इन्हें एकदम प्रिंस या प्रिंसेस की स्थान पर बिठा दिया। तो वही ये पर्सन मिस कर रहे हैं और इसी की याद में ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो मोमेंट वो पल याद आता है जिसमें आप इन्हें इनको एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह इनके साथ व्यवहार करते थे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर भी आईज ये इंडिकेट कर रही है कि इस इंसान की निगाहें आपके ऊपर हैं और इसके लिए इन्होंने कोई भी माध्यम क्यों ना चुन रखा हो, लेकिन उन सभी चीजों के पीछे का जो मेन रीजन है ना, वो जो मन का सुकून इन्हें नहीं मिल पा रहा, उसे पाने की चाह में ये पर्सन आपके ऊपर निगाहें छोड़े हुए हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आसान नहीं है हम दोनों का रास्ता, या आसान नहीं लग रहा कि ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इन्हें अपने सामने दिखाई देते हैं, जिससे ये डरते हैं, घबराते हैं, और उसी रीजन के चलते अल्टीमेटली ये आसान रास्ता चुन लेते हैं कि इस रिश्ते की डोर को ये काट देते हैं। इस रिश्ते को एक तरह से मेंटली अपने आप को समझाने की कोशिश में लग जाते हैं कि इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, क्योंकि हमेशा से ये पर्सन वो आसान रास्ता चुनते आए हैं जो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अब मेरी बस से बाहर जा चुका है। आपसे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत लकी थे, जब से आप इनकी जिंदगी में आए थे ना, तब से जैसे मानो इनकी किस्मत ने इनका साथ देना शुरू कर दिया, अच्छा वक्त इन्हें देखने को मिला, और उन सभी चीजों को लेकर ये कहना भी चाह रहे हैं अब तो ऐसा लगता है मानो ये एक स्टोरी थी, एक पिक्चर की कहानी थी, या एक टीवी सीरियल की कहानी थी, या एक ख्वाब ही था। तो वही ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। एक पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं ये मतलब ही बने, आपसे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि हाँ एक पॉइंट पर आकर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के बारे में सोचा, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचा, उनकी सोच के बारे में, उनके ऊपर इनका आपकी तरफ बढ़ने पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में सोचा, ना कि आपके बारे में और ना आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में। उस चीज को लेकर ये पर्सन आज भी गिल्टी है, या आज भी उन सभी चीजों को लेकर मेंटली ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब हैं, ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। ये भी कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे इस रिश्ते में ना कोई तो गेम खेल गया, किसी की तो चालाकी यहाँ पर चली है। अगर ये एक पॉइंट पर आकर सेल्फिश बने तो किसी और की भी यहाँ पर सोच एग्जिस्ट करी है, अकेले इन्होंने ये चीजें नहीं करी, या इन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं चाहा था। तो ये भी आपसे कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं वो पल आज भी याद आता है जिस पल में आप दोनों ने बहुत एंजॉय करा। हो सकता है आप लोग डांस वगैरह करते थे, कपल डांस हो, या किसी तरह से अपनी लाइफ को, अपनी आज को कहीं ना कहीं एंजॉय करने के लिए आप अक्सर डांस करा करते थे। तो ये उस मोमेंट को याद कर रहे हैं और आपको भी वही मोमेंट याद दिलाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ माला वगैरह दी हो, या आप मैरिड हो, कुछ चेन वगैरह का गिफ्ट दिया हो, या आपने नहीं दिया हो, उसे भी देखा जा रहा है या उसे भी याद करा जा रहा है यहाँ पर। अब आपके पर्सन हो सकता है थोड़ा सा चांसेस की थोड़ा ना इन्हें अपने हेयर का ज्यादा ख्याल रहता था, मतलब अपने लुक्स का, स्पेशली अपने बालों का ये ज्यादा ध्यान रखते थे। तो ये पर्सन अब आपसे कहना चाह रहे हैं उन चीजों की तरफ मन नहीं लगता, वो चीजें करने का दिल नहीं लगता। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहने की इच्छा रख रहे हैं, और ये सभी मैसेजेस ऑब्वियसली हम डीप फीलिंग्स पढ़ रहे हैं, तो
डीप इनसाइड ही इनके ये चीजें तूफान क्रिएट कर रही हैं। चलिए लास्ट नॉट लीस्ट देख लेती हूँ इनकी तरफ से किसी तरह के एक्शन आने की कोई पॉसिबिलिटी बनेगी या नहीं, और वो मैं देख रही हूँ मेजर अरकाना से वन कार्ड लूंगी। गाइड कीजिए, बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन के तरफ से अभी व्यूअर्स किसी तरह के एक्शन की कोई उम्मीद रख सकते हैं या नहीं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन की तरफ से किसी तरह के एक्शंस की कोई उम्मीद रख सकते हैं अभी या नहीं। स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। मून, देखो अभी तो यहाँ पे मेबी की पॉसिबिलिटीज है, यानी कि काफी ज्यादा ईद का चांद ये पर्सन बने पड़े हैं। दिल में कुछ है, बाहर कुछ है, और इसी रीजन के चलते झूठ सच ये पर्सन ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। इसी रीजन के चलते मुझे अभी तो इनकी तरफ से कोई ऐसे एक्शन आने की पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही जिसका आपको इंतजार है, या ये कह सकते हो कि एक सॉलिड वे में एक ओपन एक्शन इनकी तरफ से अभी नहीं आएगा। आ सकता है तो वो भी आपको आपके पास आएगा सितंबर मंथ में, लेकिन वो जो सितंबर मंथ में भी आएगा ना तो वो एकदम ओपन वे में नहीं आएगा, ऐसा मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। एकदम ईद का चांद के तौर पर आपको खुद वहां पे कैलकुलेट करना है कि आप ही के लिए है उस तरह से, ठीक है व्यूअर्स। तो आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ व्यूअर्स, आप कनेक्ट कर पाए हूँ। अगर आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली और आपने अभी तक लाइक क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड नहीं दिया उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।